पिंड वाली घटना सामने आई है जिथे कि एक दोषी ने पहला 4 साल की बच्ची के बलात्कार किया, बच्ची नूं तीजी मंजिल तो हेठा सुट दिता। सो इस घटना दे विच बच्ची की मौके ते ही मौत हो गई। घटना तो बाद परिवार का रो रो के बुरा हाल हो गया। सो लुधियाणा के मोती नगर थाना की पुलिस मौके से जांच के लिए पहुंची सी। वारदात नूं अंजाम देने तो बाद दोषी मौके तो फरार हो गया। सो घटना तो बाद पूरे इलाके दे विच दहशत का माहौल है। जानकारी मुताबिक मुलजमान ने शेरपुर के रणजीत नगर स्थित फौजी कलोनी के मंगलवार दोपहर नूं इस वारदात नूं अंजाम दिता। तो दोषी ने वारदात नूं अंजाम देने तो बाद लड़की नूं क्वार्टर की तीजी मंजिल तो लड़की नूं कंबल दे विच लपेट के हेठां सुट दिता। आस पास के लोगों ने उस नूं डिगदे देखिया। डिगन की जोरदार आवाज सुन के बाहर भी आके देखिया तो लड़की कंबल दे विच लपेटी हुई सी। उसका काफी खून बह चुका सी। सो आस पास के लोगों ने दोषी नूं लभण की कोशिश भी की है, पर मुलजम उत्थों की भज्जन च कामयाब हो गया। मुढली जांच तो पता लगा है कि उक्त दोषी करीब 1.5 महीना पहला उक्त क्वार्टर दे विच रहण दे लई आया सी। सो मनपा की घटना वापरी लुधियाणा दे विच जिथे कि एक 6 साल बच्ची का जिहड़ा कि बलात्कार किया गया, उस तो बाद जिहड़ा कि उसनू तीजी मंजिल तो हेठां सुट दिता। सो 4 साल मासूम बच्ची जिस दे नाल जबर जना किया गया। सो दिल दहला देने वाली यह घटना लुधियाणा तो सामने आई है। सो फिलहाल जिहड़ा कि दोषी है वह मौके तो फरार हो गया। सो कंबल दे विच लपेट के बच्ची नू तीजी मंजिल तो सुटिया ते मौके ते ही उस बच्ची की मौत हो गई सी। तो फिलहाल जिहड़ी कि पुलिस मौके ते पहुंची है ते उन्हां दे वल्लों जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल परिवार का रो रो के बुरा हाल है। सो वारदात तो बाद दोषी जिहड़ा कि मौके तो फरार हो गया। लुधियाणा तो यह मंदभागी घटना दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिथे कि 4 साल मासूम बच्ची दे नाल जबर जनाह किया गया। तो उस तो बाद उस बच्ची नूं क्वार्टर की तीजी मंजिल तो हेठां सुट दिता गया। सो इस खबर से कमल कपूर साडे नाल जुड़ चुके वधेरे जानकारी दे लई। सो कमल, जिहड़ी कि यह मनभागी घटना वापरी है, 4 साल बच्ची दे नाल मासूम बच्ची नाल जबर जनाह किया गया, उस तो बाद उसनू कंबल च लपेट के हेठां सुट दिता। सो बेहद मनभागी घटना, की कुछ जानकारी है तुहाडे कोल इस बारे? जी परम, बिल्कुल एदी जिन्ने सख्त शब्दां च निंदा कीती जानी चाहीदी है, इन्ना घिनौना अपराध ए जिहड़ा कीता गया हैगा, इहदे करके पूरे लुधियाणा वासियां दे दिलां च दर्द है, दुख है। बेहद मासूम बच्ची, 4 साल की मासूम बच्ची सी, जिन्नू जबर जिना करन तो बाद उस शैतान गुना मैं इह जे व्यक्ति नूं, उस व्यक्ति वालों जिहड़ा कंबल च लपेट के 4th मंजिल तो परम नीचे सिटिया गया, और नीचे गिरदे सारी उस बच्ची दी जिहड़ी है वह जान चली गई, क्योंकि चोट लगन कारण उहदा खून इन्ना ज्यादा जिहड़ा निकल चुका सी कि उस बच्ची की जिहड़ी है मौत हो चुकी है। पर इत्थे मैं तुहानूं दसना चाहूंगा कि लुधियाणा के अंदर प्रवासियों के लिए जिहड़े वेड़े बनाए जाते हैं, इन्हां नूं वेड़े कहा जाता, एक बिल्डिंग होंदी है जिहदे अंदर इस तरह लाइन के नाल कमरे बनाए जाते हैं, जो गिनती दे विच कोई 50, 60, 70 कमरे होंदे ने, जिहदे च 400 तो 500 तो वध व्यक्ति रहिंदे ने। इत्थे कमी कानून के पक्षों यह आती है परम कि इन्हां दा कोई भी आइडेंटिफिकेशन जिहड़ा वह पुलिस के जमा ही नहीं कराया जाता, जिस करके जिहड़ी दिक्कत आती है। कई क्रिमिनल माइंडेड लोग जिहड़े होंदे ने वह इदां दी जगह से आके क्राइम करते हैं, क्राइम करके भज जाते हैं, और अजिहा ही यह मामला हैगा कि हले तक उस व्यक्ति की जिहड़ी हैगी है पुलिस पहचान तक नहीं कर पाई, क्योंकि दसया जा रहा कि वह 1 महीना पहले ही जिहड़ा इत्थे रहण दे लई आया सीगा, और किसी एक निजी फैक्ट्री दे विच काम करदा सी, जिस करके पुलिस उन्हों दी तलाश कर रही है। जी पर फिलहाल जिहड़ा कि दोषी जिस दे वल्लों एक घिनौनी हरकत नूं अंजाम दित्ता गया इस वारदात नूं, जिहड़ा फरार हो चुका है। सो फिलहाल किसी नूं जानकारी, जिहड़े कि आस पास लोग रहिंदे ने, कि कित्थों आया सी, कित्थों रहण वाला सी, इस तरह की कोई जानकारी मिल पाई है? सो पुलिस का की कहना हुण इस दे बारे? परम देखो, जिस जगह से घटना घटी है उसी जगह के उत्ते उसी बेड़े के अंदर 400 तो वध लोग रह रहे हैं, मैं तुहानूं दस दवां कि, और किसी की भी कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और 1 महीना पहला यह व्यक्ति आया थी, आंढ गवांढ दे विच सिर्फ इन्ना पता है कि यह व्यक्ति जिहड़ा इत्थे रह रहा सी, ये कमरा इहदा हैगा, लेकिन कित्थों आया सी, कित्थे काम करता सी, इहदे बारे कोई भी जिहड़ी जानकारी उत्थे वेड़े च रहण वालियां नूं नहीं सी, और जो वेड़ा मालिक है उहदे कोल भी जिहड़ा हैगा उहदे कोई भी जिहड़े प्रूफ है उह नहीं लिते गए, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जिहड़े उह नहीं लिते गए, इस करके कानूनी तौर ते मालिक ते भी कार्रवाई बनदी है, लेकिन पुलिस फिलहाल कोशिश कर रही है फैक्ट्रीज तो पता कर रही है कि कमल बेहद मनभागी घटना वापरी है। तुसी साडे नाल बने रहो, अगली खबर भी लुधियाणा तो एक ब्रेकिंग सामने आ रही साडे को।